आज मैं आपको सिखाऊंगी मूर्छा प्राणायाम का अभ्यास। इस प्राणायाम का अभ्यास करने से आप एक मूर्छा की अवस्था यानी बेहोशी की अवस्था को महसूस कर सकते हैं। इस प्राणायाम का अभ्यास करने से हम अंतर्मुखी होते हैं, मानसिक तनाव जो है वो कम होता है। साथ ही यह अभ्यास अगर आप निरंतर करते रहते हैं तो जिनको रात में नींद नहीं आती है, नींद ना आने की परेशानी है, इंसोमनिया की समस्या है, तो उनको रात में गहरी प्यारी नींद आती है और ध्यान भी बहुत अच्छी तरीके से लगता है। तो आगे वीडियो में जानेंगे इस प्राणायाम का अभ्यास स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं, कब करते हैं, कितना करना है, लाभ क्या है, सावधानी क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि कोई जानकारी मिस ना करें आप। और अगर वीडियो में नए आए हैं, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या भूल गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाएगा। और साथ ही इस नीचे दिख रहे घंटी के निशान को दबा देंगे ना तो आपको मेरी फ्यूचर में कोई भी वीडियोस में अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? मूर्छा प्राणायाम का अभ्यास करने से हमें क्या स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे? सबसे पहला लाभ कि मानसिक तनाव को कम करेगा, अच्छी गहरी प्यारी नींद लाएगा, फोकस कंसंट्रेशन जो है आपका इम्प्रूव करेगा। अगर आपको सर में दर्द रहता है हमेशा तो उसको भी कम करेगा। अगर आपकी नस नाड़ियाँ दुर्बल हैं तो उनको मजबूती देगा। अगर आपकी मेमोरी बहुत वीक है, याददाश्त बहुत वीक है, कोई भी काम करते करते बहुत जल्दी थक जाते हैं तो ये थकान नहीं होगी। इसके अलावा इस प्राणायाम का अभ्यास करने से बाहरी जगत से जितना भी हमारा ध्यान बाहरी जगत में लगा रहता है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में लगा रहता है, तो उससे डिस्कनेक्ट होके अंतर्मुखी बनता है, जिससे ध्यान में आप बहुत अच्छी तरीके से प्रगति करते हैं। इस प्राणायाम का अभ्यास करने से ध्यान में भी बहुत प्रगति होती है। जिन लोगों को मेडिटेशन करने में प्रॉब्लम होती है तो मेडिटेशन करने से पहले कुछ राउंड मूर्छा प्राणायाम का अभ्यास करने से आपको बहुत लाभ मिलेंगे। इस प्राणायाम का अभ्यास निरंतर करते रहने से कुंडलिनी जागरण में भी बहुत मदद मिलती है। जिन लोगों को बहुत मानसिक तनाव होने की वजह से चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा हमेशा आता है, उसमें भी आपको कमी देखने के लिए मिलेगी। ये भी जान लेते हैं कि इस प्राणायाम को करते वक्त क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहली बात तो इस प्राणायाम का अभ्यास अगर आप किसी प्रशिक्षित योग गुरु की निगरानी में धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए करें तो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा किन लोगों को इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है? जिनको हार्ट की कंडीशन है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, स्ट्रोक की समस्या है या हाई ब्लड प्रेशर है, मिर्गी की समस्या है, बहुत चक्कर आते हैं, सर घूमता है, ऐसे लोग ना करें। या कि फिर अगर आपको इमीडिएटली बहुत थकान है, कोई बीमारी हुई है या कोई सर्जरी हुई है तो भी इसका अभ्यास आप नहीं करेंगे। मूर्छा प्राणायाम का अभ्यास करने और सीखने से पहले आपको तीन अभ्यास ज़रूर अच्छी तरीके से समझने चाहिए और आने चाहिए। वो तीन अभ्यास कौन कौन से हैं? पहला है खेचरी मुद्रा किस तरीके से लगाते हैं, दूसरा आपको सीखना चाहिए कि उज्जायी प्राणायाम किस तरीके से करते हैं, तीसरा आपको सीखना चाहिए कि शांभवी मुद्रा किस तरीके से लगाते हैं। सबसे पहले ये तीनों अभ्यास मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ। पहला, खेचरी मुद्रा कैसे लगाएंगे। आप अपनी जीभ को बाहर की तरफ खींचेंगे और जीभ का जो टिप है ना इसको पलट देंगे अंदर की तरफ, जिससे कि ऊपर का तालू जो है ना, अपर पैलेट है, उस पर आपकी जीभ का टिप है वो टच करें और फिर उसके बाद मुंह को बंद कर लेंगे। ठीक है, फिर से देखिए, मुंह को खोला, जीभ को बाहर निकाला और मुंह को बंद कर लिया, जिससे कि टंग का जो टिप है वो ऊपर वाले तालू को, अपर पैलेट को टच करेगा और जीभ अंदर की तरफ मुड़ी हुई होगी। ये हो गया खेचरी मुद्रा का अभ्यास। तो उज्जायी प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए नाक से गहरी सांस लेना है और इस सांस को धीरे धीरे नाक से ही छोड़ना है और गर्दन पर इसका एक हिसिंग जो इफेक्ट है उसको महसूस करेंगे। सांस लिया और सांस को नाक से धीरे 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 छोड़ दिया और गर्दन पर इफेक्ट महसूस किया। अगर आपको बहुत आसानी से समझाऊं तो अगर आप इस अभ्यास को मुंह खोल कर करें, नाक से सांस लें और मुंह से सांस छोड़ें, तो ये जो सनसनाहट की आवाज़ है इसी आवाज़ को आपको गर्दन पर महसूस करना है, लेकिन मुंह बंद करके। सांस लिया और सांस को नाक से बाहर छोड़ दिया, ये हो गया।
अब हम तीसरा अभ्यास सीखेंगे जिसको कहते हैं शांभवी मुद्रा। शांभवी मुद्रा का अभ्यास करने के लिए आपको यहाँ पर जहाँ पर तिलक या बिंदी लगाते हैं ना, यहाँ पर अपने दोनों आई बॉल्स को इस तरीके से सेंटर पे यहाँ पर फिक्स करना है, इस तरीके से ऐसे, ठीक है। तो आपने अपनी दृष्टि को इस तरीके से गेज करना है बिटवीन बोथ योर आईब्रोज, यहाँ पर तिलक या बिंदी लगाते हैं, और हल्का सा चेहरा आपका उठा हुआ है स्लाइटली छत की तरफ, तो आसानी से आप शांभवी मुद्रा लगा सकते हैं। या कि फिर इसको करने की एक और आसान तरीका बताऊं कि अपने ध्यान को अपने इंडेक्स फिंगर की टिप पर इस तरीके से रखें और फिर धीरे 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 आपकी इंडेक्स फिंगर आपके नाक के करीब आई और आप अपने ध्यान को अपने इंडेक्स फिंगर की टिप पर ही रख रहे हैं और धीरे 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 जैसे जैसे इंडेक्स फिंगर ऊपर की तरफ उठ रही है आपकी नज़रें भी हैं जो, तो वो यहाँ पर जहाँ पर तिलक या बिंदी लगाते हैं वहाँ पर इस तरीके से केंद्रित है, ऐसे इस तरीके से, और चेहरे को स्लाइटली आपको ऐसे उठा देना है, बहुत स्लाइटली, बहुत इस तरीके से गर्दन नहीं उठाना है, स्लाइटली इस तरीके से ऐसा, ठीक है। आइए सिखाती हूँ मूर्छा प्राणायाम का अभ्यास आप कैसे करेंगे। सबसे पहले किसी भी ध्यान लगाने के आसन में बैठ जाएं, यानी मेडिटेटिव पोस्चर में आराम से बैठ जाएं। ये ध्यान लगाने के आसन चाहे तो सुखासन हो सकता है या कि फिर वज्रासन हो सकता है, अर्ध पद्मासन हो सकता है, पद्मासन हो सकता है, सिद्धासन हो सकता है, जिस भी आसन में बैठना आप कंफर्टेबल महसूस करें। फिर उसके बाद अगर आपने कोई आसन का अभ्यास किया है या हार्ट बीट आपकी बढ़ी हुई है तो सबसे पहले आपको शवासन में रिलैक्स करना है ताकि आपकी हार्ट बीट जो है बिल्कुल शांत हो जाए, रिलैक्स हो जाए। अब जल्दबाजी में इस प्राणायाम का अभ्यास मत कीजिएगा। अब दोनों हाथों को आपने रखना है इस तरीके से घुटने के ऊपर और फिर उसके बाद अपने एल्बो को सीधा करना है जिससे कि स्पाइनल कॉर्ड आपकी लेंथन हो, यानी एक एक वर्टीब्रा जो है खिंच जाए, हर एक वर्टीब्रा एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखी हुई है तो इनमें खिंचाव आए। जैसे कि मैंने लाभ में बताया ही है कि इसका अभ्यास करने से कुंडलिनी के जागरण में भी बहुत मदद मिलती है, तो आपकी रीढ़ की हड्डी जो सीधी होगी और वर्टीब्रास बहुत अच्छी तरीके से खिंची होगी, इस तरीके से ऐसे, और आपके कंधे भी ऊपर की तरफ इस तरीके से उठे होंगे। अब खेचरी मुद्रा का अभ्यास करेंगे। जीभ को टर्न कर दिया ऊपर की तरफ और चेहरे को स्लाइटली ऐसे उठाते हुए उज्जायी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और तुरंत हम शांभवी मुद्रा लगा लेंगे। किस तरीके से, ऐसे आई बॉस को इसके मतलब दोनों आईब्रोज के बीच में फिक्स किया ऐसे और जीभ को टर्न कर दिया ऊपर अपर पैलेट की तरफ, शांभवी मुद्रा लगाएंगे, सांस लेंगे और सांस को अंदर रोक के रखेंगे आंतरकुंभक, और फिर उसके बाद धीरे से अपने चेहरे को सामने की तरफ, नज़रों को धीरे से फ्लोर की तरफ, फिर आँखों को बंद कर लें और अपने शोल्डर्स को जो है तो रिलैक्स होने दें और नॉर्मल ब्रीदिंग करें। और इस अभ्यास के बाद जो भी आपको चेंजेस महसूस हों शारीरिक या मानसिक, उनकी जानकारी बना के रखें और शांत बैठें। इस अभ्यास को करते वक्त आपका कुंभक पर पकड़ जितना अच्छा होगा वो बहुत इतनी अच्छी बात है। अगर सांस को जितना अंदर आप ज़्यादा देर तक रोक सकते हैं, मूर्छा की अवस्था या बेहोशी की अवस्था को उतनी ही अच्छी तरीके से आप महसूस कर पाएंगे। अगर आपको सीखना है कि कुंभक किस तरीके से करते हैं तो मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। फिर से करते हैं, आपने अपने दोनों हाथों को घुटने पर रखा, अपने दोनों हाथों को एल्बो से सीधा किया, कंधों को उठा लिया, खेचरी मुद्रा लगाई, उज्जायी प्राणायाम किया और शांभवी मुद्रा लगाई, सांस लिया और सांस को अंदर रोक लिया। और फिर उसके बाद धीरे से पहले फ्लोर की तरफ देखें, फिर आंखों को बंद कर लें, जीभ को रिलैक्स करें, कंधों को रिलैक्स करें, नॉर्मल ब्रीदिंग करें। हर एक अभ्यास के बाद दूसरे अभ्यास में जाने से पहले कुछ देर रुकें, उनके एक्सपीरियंसेस को महसूस करें, फिर उसके बाद दूसरे राउंड में जाएं। कभी भी जल्दबाजी में इस अभ्यास को नहीं करना है। अब मैं इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके
आप इस अभ्यास को कीजिएगा। सबसे पहले क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठ जाएं, दोनों हाथों को घुटने पर रखें, एल्बो को सीधा रखें, कंधों को उठा लें अपने कान की तरफ ताकि वर्टिब्रा सीधी हो जाएं, अपने जीभ को टर्न कर दें अपर पैलेट की तरफ। उज्जायी प्राणायाम, सांस नाक से लें, आंतरकुंभक सांस को अंदर रोकें और शांभवी मुद्रा लगाएं। अपने आईब्रोज के बीच में गेज करें, चेहरे को छत की तरफ स्लाइटली, सांस यथाशक्ति रोकें जब तक रुक सके और फिर उसके बाद धीरे 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 आँखों को बंद कर लें, शांत बैठे रहें और कंधों को भी रिलैक्स कर दें। तो इस अभ्यास को करना इतना आसान है ये तो दिख रहा है, लेकिन इसको कभी भी जल्दबाजी में नहीं करना है, आराम आराम से अभ्यास करना है। अगर आपको ये चार अभ्यास जो हैं खेचरी, उज्जायी, आंतरकुंभक और शांभवी ना समझ में आए हों तो इसकी सेपरेट मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इन सारी वीडियोस को देखिए, अच्छी तरीके से समझिए, फिर अभ्यास कीजिए, या कि कोई गुरु आपको मिल जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। अब बहुत से लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये जो बेहोशी की अवस्था है महसूस क्यों होती है। ये बेहोशी की अवस्था महसूस होने का एक सबसे बड़ा कारण है कि जब आप इसका अभ्यास कर रहे थे प्राणायाम का, तो आपके गर्दन पर इस तरीके से सामने की तरफ तो खिंचाव आ रहा है और पीछे की तरफ दबाव आ रहा है, तो ये जो गर्दन की, गले की जो रक्त वाहिनियां हैं इन पर दबाव पड़ता है, जिससे कि कपाल कोटर यानी कि कैरोटिड साइनस पर दबाव घटता और बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से आप ये बेहोशी की अवस्था महसूस करते हैं। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इस प्राणायाम का अभ्यास करते वक्त उद्देश्य ये है कि मूर्छा की अवस्था, बेहोशी की अवस्था को महसूस किया जाए। इसका अभ्यास बहुत ज़्यादा देर तक या अननेसेसरी बहुत अपने आप को स्ट्रेस देके या बहुत ज़्यादा देर तक अभ्यास करके मूर्छित हो जाना या बेहोश हो जाना इसका उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। इसका उद्देश्य है कि सिर्फ आप मूर्छा की अवस्था को महसूस कर सकें ताकि आप अंतर्मुखी हो सकें। इस प्राणायाम का अभ्यास कब करना है? इस प्राणायाम का अभ्यास अगर आप ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं तो कैसे सीक्वेंस में करना है? सबसे पहले आप आसनों का अभ्यास कर लें, फिर उसके बाद अपने प्राणायाम का अभ्यास कर लें और ध्यान से पहले मूर्छा प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है, या कि इस प्राणायाम का अभ्यास आप सोने से भी पहले करते हैं तो भी आपको अच्छी नींद आने में बड़ी आसानी होगी। कितना करना है इस प्राणायाम का अभ्यास? सबसे पहले शुरू में आप जब शुरुआती हो, बिगनर हो, तो 5 से 7 राउंड करना आपके लिए इनफ है, जब हल्की आपको बेहोशी महसूस होने लगे और जब धीरे धीरे आप प्रोग्रेस करने लगे, थोड़ा सा अभ्यस्त हो जाए, तो जब तक आपको बेहोशी की अवस्था ना महसूस हो तब तक इसका अभ्यास करते रहें। और एक एडवांस लेवल पर जाने के बाद तो इसका अभ्यास घंटों तक योगी किया करते हैं, लेकिन आप ऐसा ना करें। मैंने पहले बताया है कि योग गुरु जब आपको अलाउ करे तभी ऐसा करना है। वीडियोस आपको सिर्फ गाइड करने के पर्पस से बनाई जाती है। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं अलग अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, ध्यान, रिलैक्सेशन, ताकि आपको ओवरऑल स्वास्थ्य लाभ मिले, कोई भी हेल्थ कंडीशन हो जिससे आप उभरना चाहते हैं, चाहे डायबिटीज़, थायराइड, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, रात में नींद ना आना, PCOD, PCOS की समस्या, मानसिक तनाव होना, इन सारी की सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में निरंतर योग का अभ्यास करने से मैंने अपने क्लास में ही स्टूडेंट्स की हेल्थ में बहुत ड्रास्टिक चेंज देखा है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि ये योगा क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को हम जूम के माध्यम से संचालित करते हैं, जिससे कि आप देश और दुनिया के किसी भी कोने में रहें, बस 1 घंटे का वक्त निकालना है, अपने घर के ही कंफर्ट जोन में अपनी योगा मैट को बिछाना है, क्लास को लॉग इन करना है और अभ्यास शुरू कर देना है, बस इतना काम करना है। अगर किसी कारण से आप स्पेसिफिक टाइम पे ये जूम क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, मैंने कुछ रिकॉर्डेड सेशंस इस तरीके से डेवलप किए हैं जिसमें कि 1 घंटे की वीडियो होती है। आप जैसे ही इन कोर्सेज को परचेस करते हैं आपको तुरंत एक्सेस मिल जाता है और आप अपने घर के ही कंफर्ट जोन में अलग अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, ध्यान, निरंतर योग का अभ्यास कर सकते हैं
और एक बार ये कोर्स परचेज करने के बाद आपको लाइफ टाइम का एक्सेस मिल जाता है, यानी बार बार कोर्स परचेज भी नहीं करना है, आपके पास हमेशा ये वीडियोस रहेंगे, आप इनको कभी भी प्ले कीजिए और अभ्यास कीजिए। अगर आप इन कोर्सेज और क्लास के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट शेयर कर दी है जो कि है www.yogawithshahida.com, या कि फिर यहाँ पर मैंने ये व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप एक व्हाट्सएप कर देते हैं तो क्लास के बारे में और कोर्स के बारे में आपको सारी जानकारी तत्काल भेज दी जाएगी। जाइए चेकआउट कीजिए। देखा आपने स्टेप बाय स्टेप मैंने कितनी आसानी से आपको सिखाया कि मूर्छा प्राणायाम का अभ्यास कैसे करना है। मैं एक बार फिर से बता दूं कि वीडियो आपको गाइड करने के पर्पस से बनाई जाती है। आप इसका अभ्यास किसी प्रशिक्षित योग गुरु की निगरानी में करें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप वो गाइड कर सके और आपको किसी भी तरीके की परेशानी या तकलीफ ना हो। अगर आपका सुझाव है कि फ्यूचर में कौन से टॉपिक पर वीडियो बननी चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो आपको कैसी लगी, सारे के सारे अभ्यास आपको कैसे लगे वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके फीडबैक से वीडियोस को बेहतर करने में मुझे बहुत मदद मिलती है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलूंगी। आप सभी अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और निरंतर योग का अभ्यास करते रहें। नमस्ते।